नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव के द्वारा एक बेहद ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। MLC चुनाव के प्रत्याशियों से जीत के बाद में आज उन्होंने मुलाकात की। क्या कुछ बड़ी खबर है, विस्तार से बताएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ा सौगात दे दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ की मिली सौगात के बाद में अब जनता के अंदर एक अलग ही जोश देखा जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जी हाँ, याचिका पर सुनवाई अब 22 अप्रैल को की जाएगी। इसके साथ ही बताएंगे आज की बड़ी खबरों में, जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार एयरपोर्टों के बनने से देश का एक पहला राज्य बना जहां एयरपोर्ट सबसे अधिक है। इसके साथ बताएंगे आज की बड़ी और मुख्य समाचार में, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कैसे कसा तंज, कैसे कहा कि आतंकियों के समर्थन में उतर गए हैं और बता रहे हैं तमाम चीजें। भारतीय जनता पार्टी ने बोचहा विधानसभा सीट पर अपने आप को मजबूत करने के लिए विधायकों का प्रमंडल भेज दिया है। इसके साथ ही आ रही बड़ी खबर, बताएंगे घर बनाना कैसे हो गया महंगा, रड का कीमत कैसे महंगा होता जा रहा है, रड की बढ़ती कीमतों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। इसके साथ ही आज की बड़ी खबरों में बताएंगे बैंक में पैसा या तमाम ज्वेलरी रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बताया बड़ा बयान। इसके साथ साथ देश में क्रिमिनलों की अब खैर नहीं, क्राइम स्तर को बढ़ाने वाले लोगों पर सरकार का कार्रवाई जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दिया है बड़ा सौगात, पहुंचे हैं गुजरात और क्या कुछ बताएंगे विस्तार से। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 20 तारीख को सुनवाई, हो सकती है शराबबंदी खत्म, जानिए क्या है बड़ी खबर। कांग्रेस ने भी बिहार में अपने जनाधिकार का किया समर्थन, एक सीटों पर जीत हासिल कर, जी हां, आपको बता दें कि बेगूसराय में रचा इतिहास। चिराग पासवान ने भी दिखाया पार्टी का जन समर्थन। इस बात आपको बता दें कि लगातार बड़ी खबरें आई सामने, सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं मुख्य और बड़ी समाचार से। आज की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को लेकर के। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने आज जनता से मिले प्यार और आशीर्वाद और समर्थन के लेकर के बिहार विधान परिषद के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद में उन्होंने कहा कि NDA को भले ही तमाम चीजें लगे, लेकिन हमने यह बात का साफ कर दिया है कि NDA मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, वहां हम भी अगर उतर गए तो कम नहीं है। इसके साथ साथ NDA को डैमेज कर सीटों का बढ़ोतरी अब राजद ने कर ली है। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में राजद की सरकार बनने के बाद में विकास ज्यादा से ज्यादा हो सकता था, तो वीडियो को लाइक कर आप अपना समर्थन दर्ज करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ बताएं दोस्तों कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधान परिषद के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद में आज सभी जीते हुए MLC पर लोगों से मुलाकात की। MLC से मुलाकात राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने किया, जिस दौरान दोनों नेताओं की हुई मुलाकात के बाद में अब पूरी तरीके से आगे की ओर बढ़ने का सिलसिला जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त की मुख्य और बड़ी समाचार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से डोरंडा कोषागार में अवैध निकासी के मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा में डाल दिया गया है। 5 साल की सजा और साथ ही साथ जुर्माने की राशि लालू प्रसाद यादव को देनी होगी। इन सभी चीजों पर लालू प्रसाद यादव ने इससे चैलेंज कर दिया और बेल पर बरी होने के उन्होंने अपने आप को तैयार किया। कोर्ट में सुनवाई होनी थी आज, लेकिन आज रांची के कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। लालू प्रसाद यादव की इस याचिका पर जिया कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार किया और कहा कि 22 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी ज्यादा खराब रह रही है, वो फिलहाल जेल के अंदर है। उन्हें इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया जा रहा है। दिल्ली में एम्स में हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराए जाने को लेकर लालू प्रसाद यादव काफी ज्यादा बड़ी खबर आ रही है। देश के अंदर बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। एक तरफ लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने अनधुन अपने आप को बढ़ोतरी दी, जहां कंपनियों ने 80 पैसे 40 पैसे 20 पैसे ऐसे करके पैसों पैसों की बढ़ोतरी कर रुपयों में कन्वर्ट कर दिया। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब सरकार की भी मुश्किलें बढ़ गई थी। इसके साथ साथ लोगों ने अब यह भी कहना शुरू कर दिया था कि सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ाई जा रही कीमतों के साथ यह कहीं ना कहीं एक सबसे ज़्यादा
जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरी, लेबर कॉस्ट और सभी चीजें नहीं बढ़ी, लेकिन पेट्रोल की कीमत आसमान की ऊंचाइयों को छू गई है। बिहार में 170 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल की कीमत हो जाने से लोगों की चिंताएं दिखाई दे रही है। सरकार से लोगों ने अपील किया है कि पेट्रोल और डीजल के रेटों को कम किया जाए ताकि वह इस बार लगातार जो है वो अपने आप को प्रेरित कर सके। हालांकि अगर पेट्रोल और डीजल का कीमत नहीं कम होता है तो आने वाले चुनाव पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करने के लिए पेट्रोल और डीजल का मुद्दा समेत बढ़ती महंगाई का मुद्दा सामने लेकर आ सकती है। आइए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने MLC चुनाव के अंदर अपने प्रत्याशियों को मजबूत कर लिया है। इस बार MLC प्रत्याशियों को जहां समाजवादी पार्टी ने मजबूत किया, तो वहीं कहा कि इस बार पंचायती राज चुनाव के अंदर जीते हुए हमारे कैंडिडेट ज्यादा हैं, इसलिए वोटों की संख्या ज्यादा होगी और हम बहुत ही आसानी के साथ चुनाव जीतने में सफल हो जाएंगे। सफल होने के लिए साफ तौर पर उनके द्वारा हुंकार भरा गया, बताया गया कि किस तरीके से किन किन चीजों पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है और वो अपने आप को ध्यान दे भी रहे हैं। इस दौरान जहां आ रही बड़ी रिपोर्ट के अनुसार पूरी तरीके से जहां अखिलेश यादव ने अपना मुहिम छेड़ा, अखिलेश यादव ने अपनी बातों को रखा, तो MLC प्रत्याशियों ने भी अब इस बात पर बात रखना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के द्वारा हमें लगातार डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। MLC के चुनाव में डैमेज अगर भाजपा में करती है तो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव होगा, और ये इफेक्ट अगर प्रभाव डालता है तो हम पूरी तरीके से अपने आप को स्टैंड लेने में कायम हो सकेंगे। बेहद बड़ी रिपोर्ट आई सामने। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, इस वक्त के मुख्य और बड़ी समाचार की ओर बढ़ते हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां लगातार बड़ी खबरों के मुताबिक MLC के चुनाव में हार के बाद में पूरी तरीके से जहां VIP पार्टी ने बोचहा विधानसभा सीट पर अपनी ताकत को लगा रखा है। जहां बोचहा में एक तरफ लगातार आ रही बड़ी खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी हो या फिर मुकेश सहनी हो, इन दोनों में कांटे की टक्कर की लड़ाई देखी जा रही है, तो बड़े ही आसानी के साथ चुनाव को जीतने के लिए और एक तरफ सफल बनाने के लिए तैयारियों को कंप्लीट कर रही है और अब यह सभी चीजों को कर रही है RJD। RJD ने एक तरफ मुकेश सहनी को डैमेज किया है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर अपने नजर को गनाई हुई है। पैनिक निगाहों से इस बात को वो देख रही है कि किस तरीके से इसको जीता जाए और किस तरीके से इस पर अपने इफेक्ट और प्रभाव को बनाया जा सके। बड़ी खबर। आइए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हां, आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया था। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जीत के लिए हर एक संभव अपने प्रयास को जारी रखा है, क्योंकि एक महीनों के अंदर जी हां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दो बार गुजरात का दौरा यह बताता है कि गुजरात को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितने तत्पर रहे है और कितनी ज़्यादा इफेक्ट गुजरात के चुनाव को लेकर के डाला जा सकता है। प्रभाव जो है वो होगा, कहीं ना कहीं गुजरात के चुनाव को लेकर के होने वाले प्रभावशाली उम्मीदों को जहां भारतीय जनता पार्टी से समझ रही है और किसी भी हालत में गुजरात को वो हारना नहीं चाहती है, इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपने आप को मजबूत कर रही है। दरअसल दोस्तों, गुजरात में एक तरफ कहीं ना कहीं जो वोट होते हैं वो जहां आपको पटेल समाज के वोट जो होते हैं वो काफ़ी प्रभावी होते हैं, और पटेल समाज इस बार हार्दिक पटेल के साथ जाएगा या किस तरफ जाएगा इसका कोई अंदाजा अभी तक नहीं दिखाई दिया है। लगातार बेहद बड़ी खबर आई सामने। चलिए बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक सिलसिलाओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हो और हिमाचल प्रदेश में अपने आप को मजबूत कर रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब वह पंजाब को जीत चुकी है, दिल्ली को जीत चुकी है, अब बारी पंजाब के बाद में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल प्रदेश को जीतने के लिए आज आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया। कहा गया महज 5 साल चाहिए, 5 सालों में विकास का कारण, विकास के मुद्दे और विकास के कार्यों को हम करके दिखाएंगे कि हम कितना क्या कर सकते हैं, और उम्मीदों पर अगर आपके खड़े नहीं उतरे तो फिर आने वाले वक्त के लिए हमें चांस आप मत दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल के लिए चाहिए, 5 साल हमें आपसे चाहिए, और 5 सालों में हम दिखाएंगे कि क्या विकास होता है और विकास की गलियों के अंदर कैसे हम अपने आप की लहरों को मजबूत कर पाते हैं। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में घुस घुस कर डैमेज कर रही है और जीत हासिल करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी। बड़ी खबर है सामने।
जात पात की बात नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ देश के वह बड़े नेता हैं जिनके द्वारा इस बार हम जीत हासिल करना चाहते हैं। यह बात हम नहीं, यह बात कांग्रेस कहती है। कांग्रेस कहती है कि जात पात पर वोट बिल्कुल भी मत कीजिए। जात पात आपके विकास का कारण नहीं बन सकता। विकास का कारण आपका मतदान है, आपका मत है, आपका विकास है, इन सभी चीजों को लेकर के है। अगर अपने मतों का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं तो आपका परिणाम अच्छा होगा। मतों का इस्तेमाल गलत तरीकों से करते हैं तो परिणाम गलत होगा। मतों का इस्तेमाल पैसों, रुपयों और तमाम धन दौलतों पर ना करके आप विकास पर करें। और यही विकास के मुद्दों को लेकर के वह कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है। तो आज कांग्रेस ने, जी हाँ, आपको बता दें कि बेगूसराय के अंदर बिहार में अराजक की तरफ से सीट ना दिए जाने के बावजूद भी एक सीटों पर जीत हासिल की और यह बताया कि जन अधिकार हमारा आज भी कायम है, हम जीत की ओर अगर बढ़े तो आप हमें नहीं रोक सकते हैं। यह बेहद बड़ी रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट के साथ ही खुलासा हुआ मुख्य समाचार का। दोस्तों बने आप हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, वंदे मातरम।